लोकसभा चुनाव से पहले बंगाल में बीजेपी को लगा तगड़ा झटका। बीजेपी के दिग्गज नेता ने दिया पार्टी से इस्तीफा, भाजपाइयों में मची खलबली। बता दें, पश्चिम बंगाल में बीजेपी को लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बड़ा झटका लगा है। बंगाल के झारग्राम से बीजेपी सांसद कुनार हेब्राम ने शनिवार 9 मार्च को पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने निजी कारणों का हवाला देकर इस्तीफा दिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को लिखी चिट्ठी में हेब्राम ने कहा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने खुद को पार्टी से तत्काल प्रभाव से अलग कर रहा हूं। मैंने ये फैसला निजी वजहों से काफी सोच विचार के बाद लिया है। बंगाल बीजेपी के प्रवक्ता शमिक भट्टाचार्य ने कहा, हेब्राम ने कुछ दिनों पहले पार्टी को अपने इस फैसले के बारे में बताया था। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले दिए गए इस इस्तीफे ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। तृणमूल कांग्रेस ने इस मामले पर कहा कि उन्होंने हार का अंदेशा होने पर इस्तीफा दिया है। टीएमसी सांसद शांतनु दास ने कहा, उन्हें मालूम है कि बीजेपी को इस सीट पर हार मिलने वाली है, इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला किया है। वहीं एक न्यूज चैनल से बात करते हुए कुनार हेब्राम ने बताया कि उन्हें अभी अपने इस्तीफा स्वीकार किए जाने की जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा, मैं नहीं जानता हूं कि मेरा इस्तीफा स्वीकार किया गया है या नहीं, लेकिन मैंने पार्टी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। हेब्राम ने कहा, मैं अब राजनीति का हिस्सा नहीं बनना चाहता हूं। जब उनसे सवाल किया गया कि क्या वह किसी अन्य दल का दामन थामने वाले हैं, इस पर उन्होंने कहा कि वह अभी किसी भी पार्टी के साथ संपर्क में नहीं है, वह अब राजनीति को ही छोड़ना चाहते हैं। इसी के साथ आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। बीजेपी पिछली बार 2019 में इसमें से 18 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस तरह से बीजेपी ने बंगाल में बड़ी सफलता हासिल की थी। टीएमसी के खाते में 22 सीटें गई थी, जबकि कांग्रेस 2 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। इस बार बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया है, जिसकी वजह से वह बंगाल में कम से कम 30 सीटें जीतना चाहती है। इसके लिए पार्टी ने जी तोड़ मेहनत करना भी शुरू कर दिया है।